लेकिन जो सफर में बहुत खुश हूँ आप लोग के दिन जाते क्योंकि परसों भी मैं सुना था जब करिश्मा कपूर के आए थे काफ़ी बहुत लोग हो गए थे काफ़ी भीड़ हुई थी लेकिन आप लोग का हर बार आप हर साल ये हमारा दूसरा साल है अब्बास और अनंत को और उनकी जितनी भी टीम है उनको और जो लोग करते इतने इन्वॉल्व है करने में तो मैं उनका पहले उनको भरपूर मुबारकबाद होगा क्योंकि इतना आसान काम नहीं ये एग्जीबिशन बनाना पड़ लेकिन अनंत जी के बाएँ हाथ का खेल है क्योंकि वो काफ़ी एग्जीबिशन करे और काफ़ी चीज़ें होते और इमरान भाई भी आए इमरान भाई के काफ़ी हाथ की दुआएँ हैं उन लोग जो बड़ों की दुआएँ उसकी वजह से लोग बच्चे लोग बहुत अच्छा काम करें और आप तो और जितने भी शॉप ओनर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा क्योंकि हमें शॉप लगाना और यहाँ पर आके काम करना है रमजान के टाइम में इतना मुश्किल है क्योंकि आप रोजा भी रहते हैं उसके बाद में आपको फिर नमाज नहीं पढ़नी पड़ती फिर इबादत नहीं करेंगे तो उसके बावजूद आप लोगों ने यहाँ पे शॉप लगाया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा और लेकिन आप मैं अच्छा मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा बिजनेस हो और अच्छा जो भी आप करना चाह रहे तजारत यहाँ पर अच्छी तजारत हो और यहाँ से बिल्कुल खुश हो गए जाएँ फिर वापस आए लेकिन जाने से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिएगा या अगले साल भी आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं और जितने भी लोग हैं हैदराबाद के लोग जानते हैं उनको मैं बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा कि आप लोग इतने बिजी होने के बाद रमजान के बाद भी आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतना घंटे घंटे डिनर यहीं पर कहीं क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट भी है और मैं सुना कि चाय भी बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पर तो मुझे तो कभी चाय के चर्चा बट चर्चा करने का मौका होगा या नहीं मुझे पता नहीं है बट लेकिन चाय का चर्चा बहुत अच्छा यहाँ पे वो है कि मैं इंशाल्लाह जरूर तय भी करूँगा और मैं यही कहूँगा कि आपको बेस्ट ऑफ लक और एडवांस में इनकी मुबारकबाद दूंगा और आप इंजॉय करिए बच्चे हैं फिरते हैं बट लेकिन सुख अच्छा एक फैमिली टाइप का माहौल है यहाँ पे लोग जमा हुए हैं मुझे इससे ज़्यादा खुशी बात करती है कि आप लोग यहाँ पे आया और मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फिर से अन्ना और अब्बास की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और जो कोई भी इवेंट होता है वो स्पॉन्सर के बगैर होता नहीं तो मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमें स्पॉन्सर अगर नहीं रहता तो कोई इवेंट भी नहीं होता अगर अब क्रिकेट मैच भी नहीं होता क्योंकि क्रिकेट मैच भी आप देखिए भाई जो जब इतना लगा के खेलते हैं तो स्पॉन्सर के बगैर कुछ नहीं होता तो मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर आए और यहाँ से फायदा उठाए और सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।